जिसमें भी ये गाना टूट जाए राजा जी पलंग सागवान के गाना उनके आवाज़ में जा रहा है, अच्छा जा रहा है। और एक फिल्म है अंदाज जो कि आने वाली है, अभी शूट हो चुकी है फिल्म, गीत संगीत पे फाइनल डबिंग का काम चल रहा है। इसके पहले कौन कौन फिल्में आप कर चुके हैं खेसारी लाल के साथ? एक इधर ही तीन चार फिल्में जो हुई हैं, उसके पहले वही अपना ए बलमा बिहार वाला ही था। और पवन जी के भी बहुत करीबी आप रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? कितने गाने आप बनाए पवन जी? कहना मुश्किल है, लेकिन लगभग इन 10 सालों में पवन जी की लगभग सारी फिल्में, लगभग सारी फिल्में, दो तीन फिल्में छोड़ के लगभग के हिसाब से तो मैंने किया हुआ है जी। कोई हिट गाने बताना चाहेंगे? एक हम लोग जुड़े थे, पवन जी और हम लोग जुड़े थे, तो एक गाना बहुत शुरुआती दौर में ही एक अच्छा हुआ था, हमरो सांवर रंग मन नहीं भावे ए हो सांवरिया, दिलवा में जगह दे द, दिलवा में जगह दे द, का करी गोर करिया। ये गाना अच्छा हुआ था। फिल्में कितनी हो चुकी हैं लगभग पवन जी के साथ? काउंट तो नहीं किया हूँ, लेकिन 30 40 50 यही होगा, हुआ होगा मेरे ख्याल से इन रिसेंटली दस कुछ सालों में जितने लगभग है तो। और अभी सरकार लगभग राज से लेके अब तक क्रैक फाइटर, ये वांटेड, ये अभी तबादला, बीच बीच में धड़कन, कितनी सारी फिल्में गई हैं। मैं भी हाल ही लखनऊ में जो है खेसारी जी और पवन जी का भारत मिलाप हुआ था, मतभेद बीच हटा के जो है गले देखिए, मिले थे और एक दूसरे किस करके प्यार जताए, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? हमारी जो इंडस्ट्री है ना, जैसे एक एक परिवार हम लोग ना यूपी बिहार से छोड़ के मुंबई में आए हैं, जिस परिवार में हम लोग रहते हैं, हमारे माँ बाप, गार्जियन, भाई, जो भी है अपना रिलेशन, सब छोड़ के हम लोग आते हैं मुंबई में, क्योंकि और वो कमी अब खलता नहीं है। हम लोग यूपी बिहार छोड़ के आए हैं भले ही, लेकिन अब वो खलता नहीं है, शुरुआती दिनों में खला था, याद आती थी वहाँ वहाँ की। अब ऐसा है कि एक परिवार हो जाता है, हम लोग किसी एक फंक्शन में मिलते हैं और सारे लोग, करीब 400 500 लोग मिलते हैं, टेक्नीशियन, इतना वो मज़ेदार वो टाइम होता है, हम लोग इतना इंजॉय करते हैं उस टाइम को, जिसे देखो गले मिलते ही टाइम पूरा निकल जाता है, पूरी रात पार्टी में। तो ये बहुत भगवान का शुक्रिया है कि ऐसा परिवार मिला है, तो संजो के रखना चाहिए इसको सबको। और मुझे लगता है कि अगर जो भी अगर बुद्धिजीवी और समझदार लोग होंगे, जो बातों को समझते हैं, तो इसको एक अच्छे रूप में देखेंगे और मिल के रहना चाहिए। मेरा यही कहना है कि कलाकार दो चार कलाकार की कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, उसका मजहब एक ही है, सारे गम प ध नि सा, सा से सा तक, इस सा से उस सा तक एंड है, बस यही यही सा में ज़िंदगी है, इसमें कब कहाँ कौन बिछड़ जाए, तो इसको संजो के रखना चाहिए, मिल मिलाप के रहना चाहिए। और अच्छा लगा इंडस्ट्री मिल के रहे तो। उनके जो फैंस हैं पवन जी का, खेसारी जी का फैंस जो आपस में लड़ते हैं उस पे क्या ये कहना चाहिए? ना खेसारी जी की कमी है, ना पवन जी की कमी है, ना इंडस्ट्री की कमी है, इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई कमी कहा जाए तो मैं एक ही लोग को देता हूँ, और वो है फैंस। मैं फैंस की कमी है इसमें कि वो समझदार नहीं हो पा रहे हैं, इतना जानने के बाद उनको उनकी आंखें खुल जानी चाहिए। मैं बहुत दिन से सोच रहा था ये बोलने के लिए, किसी की कमी नहीं है, कलाकार हमेशा बराबर अपने, क्योंकि जब दोनों कलाकार मिलते हैं तो स्टेज पे गर्मजोशी से एक दूसरे का हाथ मिलाते हैं और गले मिलते हैं। फिर आप लोग क्यों बढ़ते हो, आप लोग क्यों बढ़ते हैं, खेसारी मेरा है, पवन मेरा है, फलाना मेरा है, वो मेरा है, ऐसा क्यों, मेरा है रखिए। लेकिन इस अहिंसक हो जाना, इस सॉरी हिंसक हो जाना है ना, तो ये न्याय नहीं है, ये अच्छा नहीं है। और मेरे ख्याल से इतना हम लोग तो कोई अब कोई भी अब जैसे कोई भोजपुरी के बारे में कुछ लिखना पढ़ना, कोई फेसबुक पे जानबूझ के आदमी डर लगता है लिखने में। पहले मैं लिखने की कोशिश किया एक दो बार, तो इतने इनका पार्ट तो उनका पार्ट, किसको किसको ध्यान में रखा जाए यार। आप लोग कभी कभी ये सोचते हैं
सोचना चाहिए कि इसके पीछे एक टेक्नीशियन भी है। पवन सिंह बहुत ऊपर की चीज़ है, खेसारी लाल यह बहुत ऊपर की चीज़ है, इस इनके नीचे भी बहुत सारे टेक्नीशियन हैं, उनका क्या? जो उनके ऊपर जाने मदद करते हैं, जाने में तो ले जाए, उनको तो मदद करता है टेक्नीशियन। कोई गाना लिख के अपने से लिखता है क्या? दूसरा गाना लिखता है, दूसरा गाना बजाता है, सब कुछ करके रेडी करता है। उसके नीचे कितने टेक्नीशियन जो खाए बिना आज मर रहे हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए। तो ये जो कैंप बंट जाता है ना, ये सबके लिए घातक है। तो ये मैं सबके लिए बोलता हूँ, और ये फैंस कराते हैं, ये सब का सारा कुछ लेना देना वहाँ के लोग, ग्रुप जातिवाद, इसको बंद करना चाहिए। सिर्फ एक चीज़, अच्छा गाना गाओ, अच्छा गाना सुनो, चाहे किसी का भी गाना हो। अच्छा ना लगे तो उसे तो पब्लिक नकार ही देती है, अच्छा लगे तो किसी का भी गाना हो, नया हो पुराना हो कोई मतलब नहीं। लेकिन उसमें फिर लड़ने की ये राजनीति वाला पॉलिटिक्स वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तौबा करनी चाहिए इन चीज़ों से।